को रैप कर रही हूँ, जो मैंने कॉफ़ी एंड टी बार लिखा है उसमें उसको मैं रैप कर दूँगी। और उसके बाद रैप करने के बाद मैं चारों तरफ इसके सर्कल में भी जूट रैप कर दूँगी और फिर मैं दे दूँगी यहाँ पर कॉल का टोन। सो नेक्स्ट DIY के लिए यहाँ पर मैंने लिया है अपने ग्लास कंटेनर, तो जिसमें मैं अपनी चाय पत्ती और चीनी रखती हूँ, तो उसको मैं यहाँ पर डेकोर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कार्ड आया था उसका स्टेंसिल की तरह मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और दोनों तरफ मैंने इसमें मास्किंग टेप लगा दिया जिससे कि हिले ना। और अब यहाँ मैं स्पंज की हेल्प से ब्लैक कलर कर रही हूँ, और आप चाहे ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं पर स्पंज की हेल्प से अलग ही टेक्सचर आता है। और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो निकल रहा है उसे मैं ब्रश की हेल्प से सही कर दूँगी। और देन यहाँ पर मैंने पॉल्का डॉट्स भी बना दिए। अब यहाँ पर मैं वाइट कलर से लिख रही हूँ टी, और दूसरे वाले में भी मैं ऐसे कर दूँगी, उसमें लिखूँगी मैं शुगर। तो तैयार हो जाएगा हमारा टी एंड शुगर का कंटेनर। तो अब यहाँ पर थर्ड DIY के लिए यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंट्स निकलवाए हैं और इसमें मैं स्टिक कर दूंगी एक कार्डबोर्ड में। तो ये मेरे जो पुराने कार्डबोर्ड थे मैं उसमें स्टिक कर दूंगी। और स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने फेविकॉल का यूज़ करा है, और बॉर्डर के लिए यहाँ पर मैंने ब्लैक टेप से इसको बॉर्डर दे दिया। तो अब बारी आती है इसे लगाने की। तो यहाँ पर मैं मेरी जो विंडो है उसके ऊपर मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने मास्किंग टेप का यूज़ करा है, आप डबल साइड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों यहाँ पर मैंने लगा दिए। देन अब इस खिड़की को कवर करने के लिए यहाँ पर मैं अपना पुराना दुपट्टा यूज़ कर रही हूँ जो कि मैच कर गया है मेरे किचन से। तो यहाँ पर मुझे अपना पर्दा बार बार हटाना नहीं, इसलिए मैं इसे नेल की हेल्प से इसे लगा दे रही हूँ। और अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑर्गेनाइज़र प्लांटर्स बनाने के लिए। तो इसको मैंने हैंग कर दिया है नेल की हेल्प से, और इसमें वाटर बॉटल में वाटर भर के उसमें प्लांट लगा के मैंने इसे लगा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने YouTube स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ पेंट करा था, तो उसको मैं एक दोबारा पेंट कर दूँगी। और अब यहाँ पर मैं स्टॉप के बराबर में जो आप स्पेस देख रहे हैं वहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये ऑर्गेनाइज़र, ये स्टील की ऑर्गेनाइज़र है। और यहाँ पर जो भी मेरे ज़रूरी सामान है वो यहाँ पर मैं रख दूँगी। और अब ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं ये भी एक DIY है, तो इनका वीडियो भी मेरे चैनल पर है और मैं जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब बारी आती है दूसरे कॉर्नर को डेकोरेट करने की। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी DIY है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है ट्रे, राउंड ट्रे ली है मैंने, और यहाँ पर मैं रख दूँगी ऑयल डिस्पेंसर और घी दानी और कुछ आर्टिफिशियल यहाँ पर मैं पॉट रख दूँगी। सो इसी के साथ डेकोर हो जाएगा हमारा एक और कॉर्नर। सो गाइस, इस वॉल पे मैं बनाने वाली हूँ अपना कॉफ़ी एंड टी बार। तो ये वॉल प्लेन है बिल्कुल वाइट, तो अब यहाँ पर मैं स्टिक कर रही हूँ अपना DIY, और साथ ही मैं ये कैटल और ये मैंने कप बनाया था इसका भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने मग को हैंग करने के लिए मैंने सेल्फ एडहेसिव का यूज़ करा है, तो आपको ये इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ अपने प्लांट्स लगा रही हूँ, आर्टिफिशियल प्लांट लगाए और उधर मैंने स्नेक प्लांट लगाया। और अब बारी आती है अपनी सिंक की तरफ को डेकोर करने की। तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा डेकोर नहीं कर रही हूँ, सिंपल से ही रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक आयरन स्टैंड लगाया है और उसमें अपना डिश वॉश और मेरे जो स्पंज है वो रख दूँगी उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बिछा दूँगी अपना रंग, और इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट मेरा आज का ये किचन का मेकओवर। आई होप आपको मेरा ये मेकओवर और मेरी DIYs पसंद आए हो, और अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो मेरे वीडियो में प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको कैसा लगा ये मेकओवर। सो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड सपोर्ट मी।
बाय बाय।